good morning kids today we are going to study chapter number 8 electromagnetic waves first we have to recall some uh, things yeah i am going to give some introduction regarding this chapter we will discuss about electromagnetic waves their properties and characteristic and also their practical uses in our daily day to day life one of the most important application of electromagnetic waves is in कम्युनिकेशन जो हम लोग रेडियो वगैरह यूज करते हैं मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं उन सब में हमारे पास इन्हीं वेव्स का सबसे ज्यादा यूज आता है सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स आर एस फॉर वी आर एबल टू सी एवरी थिंग अराउंड ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस आप बता सकते हैं क्या है वी ऑल नो दैट दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट एंड लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव It helps in aircraft navigation and helps the pilot for the smooth takeoff and landing of aeroplanes. How? Because just only because of these waves, the pilot is uh, able to communicate with the land. It also helps to calculate the speed of the aeroplane. इन द मेडिकल फील्ड अगर हम लोग बात करें आज आ, हम बस इतने एडवांस्ड मेडिकल इक्वमेंट्स हैं तो वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है इन द मेडिकल फील्ड इट गॉट वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल इन लेज़र आई सर्जरी दैट मीन्स हम लोग सिर्फ आई सर्जरी की बात नहीं कर सकते कोई भी ऐसी सर्जरी है जो लेज़र के थ्रू की जाती है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स है हम जो एक्स वगैरह करवाते हैं वो भी इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इन रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स इन रेडियोज एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स दीज सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस दैट मीन्स रेडियोज़ के जो आप गाने वगैरह सुनते हैं मैंने पहले भी बोला था एफ एम रेडियो वगैरह सुनते हैं टेलीविजन में जितना भी देखते हैं ये सब की सब चीज़ें किससे ट्रांसमिट होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ द पासिंग व्हीकल देट मीन्स अगर हमें हमने पढ़ा है इलेवेंथ क्लास में फिजिक्स में मोशन के अंदर रिलेटिव विलॉसिटी तो एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू पास में से अगर हमें उसके रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बाई यूजिंग दिस वी आर एबल टू जस्टिफाई द स्पीड ऑफ द पासिंग बाई व्हीकल्स दे आर यूज इन इलेक्ट्रोनिक अप्लाइंस लाइक अब मैंने बोला कि हम टी वी देखते हैं इसमें जितने भी सिग्नल्स आते हैं या जो भी हम टीवी में देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमेव तो टीवी इज द बेस्ट एग्जांपल नाउ ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आप लोग रिमोट्स यूज करते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं रिमोट कार्स यूज़ करते हैं एलईडी टीवी यूज़ करते हैं माइक्रोवेव है ओवन है ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव वॉइस ट्रांसमिशन इन मोबाइल फ़ोन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव सो अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ हैं या क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं अब हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एडवांटेजेस क्या हैं या यूँ कह लो कि हम लोग पहले ये पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रो वेव्स होती क्या हैं सो नाउ हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉट आर इलेक्ट्रो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द शॉर्ट फॉर्म इज ई एम र देव्स विच आर रिलेटेड टू बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दैट मीन्स जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि चार जब रेस्ट पर होता है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और चार जब मोशन में होता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक और मैगनेटिक फील्ड दोनों बनाता है तो यहाँ पर जो वेव डेवलप हो रही है वो इलेक्ट्रिकसिटी और मैग्नेटिजम दोनों से रिलेट करती है दर्ड इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स आर द वेव्स विच आर कपल्ड टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट प्रोपोगेट इन स्पेस मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में एक दूसरे से मिल गई हैं और वो स्पेस में एक साथ प्रोपोगेट हो रही हैं वेव्स असोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिजम एंड एज दे आर वेवस सो दे प्रोपोगेट इन द स्पेस अब हम बोल रहे हैं कि ये वेव्स वो वेव्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही कारण बनती है अब क्योंकि ये वेव्स हैं इसलिए स्पेस में आराम से प्रोपोगेट कर रही है व्हेन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कंबाइन टुगेदर देखो बेटा गया पहले का अगर चैप्टर हमने ध्यान से पढ़े हैं तो यहाँ पर वही सेम पॉइंट है वेन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन टुगेदर एंड वेन दे आर वैंग विद टाइम द बोथ विल गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कम्बाइन होता है और अगर वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई फॉर्मेशन की फॉर्मेशन होती है दैट फॉर्मेशन इज नोन एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स तो सबसे पहली बार जो हमें इक्वेशन मिली थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो हमें दी थी मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस इमर्ज फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन मैक्सवेल ने सबसे पहली बार क्या दिख, क्या देखा ही फाउंड दैट दीज वेव्स हैज़ सो मैनी स्पेशल प्रॉपर्टीज बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे पहली बार उन्होंने डिस्कवर किया विच कैन बी यूज फॉर मैनी प्रैक्टिकल पर्पजेज जैसे मैंने भी आपको बहुत सारे ऊपर यूजेज बताए हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बार ये प्रपोज किया था किसने मैक्सवेल ने टाइम वराइंग अब यहां पर मैंने ग्राफ बनाया है यह ग्राफ देख रहे हैं हम लोग टाइम वराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक वेव बन रही है दैट वेव इज नोन एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस यहाँ पर हम लोगों ने ई e से डिनोट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को और बी से डिनोट किया है मैग्नेटिक फील्ड को तो ये हमारे पास एक्सेस है एक्स जेड और वाई ये जो डार्क जोन ये जो बन रहा है दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक बार पॉजिटिव फेज एक बार नेगेटिव फेज फिर पॉजिटिव फेज फिर नेगेटिव फेज और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव जब ये दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं तो एक नए वेव की फॉर्मेशन होती है दैट वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब ऐसे ही थोड़ी पता चल गया हम लोगों की इलेक्ट्रो मैग्नेटिक होती है या हमने यूं बोल दिया मैक्सवेल ने अगर कोई इक्वेशन दी तो उसके रिगार्डिंग उसने एक्सपेरिमेंट्स भी किए मैक्सवेल प्रपोज दैट द टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पहले पढ़ चुके बेटा कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ सॉरी अगर हम चार्ज को फ्लो करवाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं और हमें फेराडिक लॉ से और लेंस लॉ से हमें पता चला है कि टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को भी अगर हम चेंज करते हैं किसको चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को भी अगर हम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है ठीक है नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल या अकॉर्डिंग टू फेराडे अकॉर्डिंग टू लेंस इन तीनों के कॉम्बिनेशन समय यह सब बातें रख ली क्या बात पहली बात क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा सो फर्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू फेराडे लेंस लॉ अब फेराडे अलग साइंटिस्ट है लेंस लॉ दोनों का कंबाइंड लॉ है एन ई एम एफ ई एम एफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट वेनएवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस मतलब अगर हम किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते हैं तो उस चेंज की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है दैट फोर्स प्रोड्यूस मतलब इंड्यूस होता है

इफ फेराडे लॉ इज ट्रू तो मैक्सवेल क्या बोलते हैं कि अगर फेराडे लॉ सही है देन द वाइस वर्सा शुड ऑल्सो बी ट्रू इसका अगर मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो मैक्सवेल का ये कहना है कि अगर फेराडे सही है तो ये चीज वाइस वर्षा भी होनी चाहिए वाइस वर्षा मतलब उल्टा भी होना चाहिए कि अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनना चाहिए दैट इज अ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड शुड ऑल्सो बी एबल टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इज दिस क्लियर नाउ नाउ सेकेंड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है एम्पियर सर्क्यूटर लॉ एम्पियर ने हम एम्पियर हम, के लॉ बहुत बार पढ़ चुके हैं एम्पियर का हम लोगों ने लॉ भी पढ़ा है दैट ओम्स लॉ पढ़ा एम्पियर के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि जो करंट होता है वो म्यूनो you टाइम्स know, होता है ना ऑल दैट आप लोग जानते हैं कि एम्पेयर जो है वो करंट की यूनिट है एंड ऑल रेड आपने पढ़ा है नाउ हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि एम्पियर का एम्पेयर का सर्क्यूटर लॉ या एम्पियर का लॉ क्या है सो द फर्स्ट लाइन इज अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलटर लॉ यहाँ लिखा है बेटा क्लियर अब ध्यान से देखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटर लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो किसी लाइन uh, इंटीग्रल में आती है ओवर द लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया दैट मींस डी एल दैट मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर आई इज द करंट पासिंग थ्रू इज एंड म्यू नॉट दैट मीन्स द लाइन इंट्रीगल ऑफ अ करंट ओवर अ लेंथ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू इज डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई तो मैक्सवेल क्या बोलते हैं अब मैक्सवेल ने हमारे पास बात बोल सकी है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल देर इज सम इनकन्सिस्टी इनकंसिस्टेंसी अब मैक्सवेल ने बोला कि फेराडा को तो हमने बोल दिया क्योंकि पास से लेकिन एम्पेयर के सर्कुलर लॉ में कुछ इनकंसिस्टेंसी है दिस मीन्स कि एम्पेयर का लॉ करेक्ट है या नहीं है दिस मीन्स एम्पेयर सर्कुलटर लॉ वॉज करेक्ट फॉर सम केसेस तो वो बोल दिया बट कुछ केसेस में वो करेक्ट भी नहीं है Maxwell took different scenarios. Maxwell ने कुछ अलग अलग सीनारियो लिएट इज ही टुक अ कैपैसिटर हम लोग मैंने आपको कैपेसिटर पहले समझाया अच्छे से एंड ट्राई टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ पीस ऑफ कैपेसिटर तो मैक्सवेल ने क्या किया एक कैपेसिटर लिया और उस कैपेसिटर में जब उसने करंट पास करवाया तो उस कैपेसिटर का मैग्नेटिक फील्ड उसने कैलकुलेट करने की कोशिश की कि अगर हम वो एक पीस ऑफ मैग्नेटिक उसका ले लें तो क्या हम उसका मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं अब हम लोग देखते हैं सपोज ये आपका देखिए एज इज गिवन ओवर देयर यहाँ पर हम लोगों ने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया नीचे दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है ये इसकी नेगेटिव प्लेज है और हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट भी मार्क कर लिया और हम पता करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो पॉइंट पी एस शोन इन अ फिगर दिस पॉइंट पी एस शोन इन अ फिगर ही डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर देअर अज्यूमिंग दैट द सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट अब ये यहां से करंट आ रहा है यहाँ से पास हो रहा है अगर इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एम्पियर ने पता करने की सॉरी मैक्सवेल ने पता करने की कोशिश की सो ही कंसिडर थ्री डिफरेंट एम्पियर लूप्स एज शोन इन फिगर एक लूप ये लिया ठीक है केस वन फिर एक लूप ये पूरा ले लिया केस टू ठीक है और उसके बाद एक लूप ये लिया, केस थ्री तो हमारे पास तीन अलग अलग लूप हो गए तो सबसे पहले पहले वाले को वापस समझते हैं तो एमपेयर लॉ शुड बी द सेम फॉर ऑल थ्री अब MP क्या बोलता है इस वाले लूप के लिए या फिर इस वाले लूप के लिए या फिर इस वाले लूप के लिए सबके लिए एम्पेयर का लॉ बिल्कुल सेम है बट मैक्सवेल क्या बोलते हैं केस वन कंसिडर्ड अ सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड डी एल इज देंस ऑफ द सरफेस अगर हम लोग बोले कि ये हमारी एक हमारा एक सरफेस है जिसके जिसका रेडियस कितना है आर ठीक है और ये इसकी पूरी लेंथ है फ्रॉम द अब एम्पियर सर्कुलर लॉ में क्या बोल रहा था ऊपर क्या, तो क्या, क्या बोल रहा है डीएल टू म्यू नॉट आई तो हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे क्या बोल रहा है मैं बी डॉट डी एल दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ओवर लेंथ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अब हमारे पास बेटा ये सर्कमफ्रेंस ये सर्कल हो गया तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बेटा टू पाई तो 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 पे 2 pi R को हम नीचे ले जाएं हमारे तो हमारे पास पास का रेडी हो गया तो ये लिया किसने? Maxwell ने बोला कि केस वन के लिए एम्पियर का एम्पेयर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये वाली है अब देखते हैं हम लोग केस टू नाउ अगर इस केस टू को हम लोग जान से देखें

अब देखो अंदर कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ठीक है यहां पर तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो अब अगर यहां पर इस फार्मूले में आई की वैल्यू जीरो हो गई इसका मतलब बी डॉट डी एल की वैल्यू भी जीरो हो गई अगेन अब आते हैं केस थर्ड पे कंसिडरिंग द सरफेस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर अब ये जो हमारे पास ये है ये दोनों प्लेट्स के बीच में है यहां पर क्या था दोनों प्लेट्स के ऊपर हमने बनाया था तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था अब यहां पर हमने दोनों प्लेट्स के बीच में डाल दिया इन दिस केस I also equal to zero क्यों क्योंकि ये सर्किट में तो फ्लो कर ही नहीं रहा है यहाँ से और यहीं पे स्टॉप हो गया तो देखो इसमें क्या था करंट यहाँ से गया और यो निकला पूरा सर्किट बन गया यहाँ से गया बट ये इसी लूप में रह गया इससे बाहर इस, इस प्लेट में नहीं आया इज दस क्लियर पहले वाले लूप में ये सिचुएशन थी दूसरे वाले में पूरा बॉक्स था तीसरे वाले में ये अंदर था ठीक है तो फिर उससे करंट फ्लो नहीं हो रहा तो आई की वैल्यू ज़ीरो सो बी की वैल्यू भी यहाँ पर वापस से जीरो हो जाएगी तो क्या बोलते हैं मैक्सवेल एट द सेम पॉइंट बट डिफरेंट एम्पेरियल सरफेसेस मतलब ये पॉइंट पी हमने ये वाला पॉइंट पी देन ये वाला पॉइंट पी और ये पॉइंट पी सेम रखा लेकिन सरफेस हमने पहले ये वाला लिया दिस वन उसके बाद ये वाला लिया दिस वन और उसके बाद ये वाला तीन अलग अलग सरफेस लेने के बाद द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम दे आर डिफरेंट फॉर द सेम पॉइंट दैट मीन्स मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एक ही पॉइंट पर अगर हम अलग अलग लूप लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट आती है मैक्सवेल सजेस्टेड आर सम गैप्स इन द एम्पियर सर्कुलर लॉ कुछ गलतियां रह गई या गैप्स रह गए ही करेक्टेड द एम्पियर सर्कुलर लॉ और उन्होंने कोशिश की या ही ट्राई टू क्लियर या टू से दैट कि उसने करेक्ट कर दिया एंड ही मेड एम्पियर सर्कुलटर लॉ कंसिस्टेंट इन ऑल सिनारी और क्या किया जितने भी उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी थी उस लॉ के अंदर जितने भी सिनारियो ऐसे थे जहां पर एम्पियर की कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हो रही थी तो उस सीनारियो को उसने करेक्ट करने की कोशिश की तो व्हाट वॉज द फर्स्ट स्टेप मैक्सवेल करेक्शन टू द एम्पियस लॉ तो क्या क्या करेक्शन हुआ हमें देखना है फर्स्ट एम्पियर लॉ देखिए फर्स्ट पहले बात करते हैं कि क्या हुआ था तो एम्पियस लॉ स्टेट दैट लाइन इंट्रीगल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग अलोज प्लेन करव अगर हमारे पास एक क्लोज प्लेन करव है और उसका अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इट इज अट टाइम द टोटल करंट क्रॉस द एरिया ठीक है बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द रूप रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है ये बात बोल दी थी मैग्नेटिक फील्ड में एम्पेसलॉ uh, में सेकेंड चीज एमपेयर लॉ इज ट्रू ओनली फॉर अ स्टडी करंट दैट मींस अगर करंट की वैल्यू वेरी करती है तो वहां पर एम्पियर लॉ फॉलो नहीं किया जाता है शॉर्ट कमिंग मैक्सल को यह कमियां पता चल गई किसमें एम्पेयर लॉ में एन ही मोडिफाइडेड एम्पेयर लॉ टू इंक्लूड टाइम विक फील्ड मतलब अब इसने क्या किया उसने क्या किया? ये चीजें शामिल कर दी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वेरी भी करती है तो उस वेरिएशन के बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कितना होगा ये सब किसने पता कर लिया मैक्सवेल ने फॉर एम्पेटर सर्कुलर लॉ टू बी करेक्टेड मैक्सवेल दैट देयर देर टू बी सम करेंट एग्जिस्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर मैक्स एम्पेयर मैक्सवेल ने सबसे बड़ी बात क्या बोली कि अगर एम्पर के लॉ को करेक्ट करना है तो यह बात अज्यूम करनी पड़ेगी कि जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ करंट एग्जिस्ट पहले से ही कर रहा था इज दिस क्लियर आउटसाइड द कैपेसिटर करंट वाज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैपेसिटर के बाहर जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो जस्ट इसलिए फ्लो कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैक्सवेल क्या बोलते हैं कि जब हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी तो इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या था देर इज सम करंट या देर इज सम इलेक्ट्रॉन्स करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट बिटवीन द प्लेट्स आउटसाइड द कैपेसिटर बोल फ्लो हैं करना जिसका मतलब देयर इज नो कंडक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट मतलब अकॉर्डिंग टू मैक्सुअल क्या है कि इस कैपेसिटर के अंदर भी करंट फ्लो करता है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ डायरेक्टेड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्व टू वी अन्डीज टू ई डॉट डी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग तो ई इज इक्व टू वी अन्डी वेयर वी क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस और डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स नाउ वी हैव अ फॉर्मूला ई इज इक्वस टू क्यू बाय सी बिकॉज हमने कैपेसिटर के फार्मूला में पढ़ा है वी इज इक्वस टू क्यू अपॉन सी तो यहाँ पे हमने क्योंकि कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया वी इज इक्वस टू क्यू अपॉन सी इन टू डी वेर क्यू इज द चार्ज ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड सी इज द कैपेसिटेंस नाउ ई इज इक्वस टू क्यू अब बात करते कैपेसिटेंस की अपॉन ए एक्सेल नॉट डी अपॉन डी तो हम लोगों ने बोला ये जो वैल्यू क्या है इज द एरिया ऑफ द कैपेसिटर इज दस क्लियर तो इस डी से बेटा ये डी कैंसिल हो गया तो क्या बचा ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एक्सेल एंड नॉट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द दर्टिकुलर सेलेक्टेड सरफेस दैट इज इफ कंसिडर्ड प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर एज अ सरफेस एज ई इज जीरो की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है कहां पर आउटसाइड द प्लेस बिटवीन द प्लेट्स

ज दिस क्लियर ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है इस लेक्चर में अगर कुछ डाउट्स हो तो प्लीज डाउट्स पूछ लेना थैंक यू